हम अगर आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आजकल के माहौल को देखते हुए ये शेर एकदम सही है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को भड़काऊ भाषण देने के लिए मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें अब गुजरात ले जाया गया है। तो आइए पहले वो बयान सुनते हैं जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। दुनिया आज हमें ये टोचन मारती है, ताने मारती है, तुम अगर सच्चे हो तो इतने मारे क्यों जाते हो, तुम इतने काटे क्यों जाते हो, फिलिस्तीन में तुम्हारा कत्ल क्यों इतना ज्यादा, इराक में, शाम में, यमन में, फिलिस्तीन और अरब में, अफगान में, बर्मा में, हर जगह तुम काटे क्यों जाते हो। ये बार बार जो सवाल होता है, क्यों मारे जाते हो, क्यों काटे जाते हो, उन जालिमों को नौजवानों जवाब इतना देना। मुफ्ती आजम ने हमें सिखाया था, हम परवाने हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, और जो परवाना होता है वो मरने के लिए ही पैदा होता है, जीने के लिए नहीं आता है। परवाने की जिंदगी अपनी शमा की मोहब्बत में घूम घूम कर अपनी जान दे देना। और अगर हम किसी सरजमीन पर काटे जाते हैं, मारे जाते हैं, तो एक बात याद रखो, हमारे मर जाने से इस्लाम खत्म नहीं होता। इस्लाम को खत्म होना था तो करबला में खत्म हो जाता, लेकिन इस्लाम की सच्चाई है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लबैक या रसूल अल्लाह, न घबराओ ऐ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। ये बयान मुफ्ती अजहरी साहब ने 31 जनवरी को गुजरात के जूनागढ़ में एक प्रोग्राम के दौरान दिया था। जैसा कि आप लोगों ने इस क्लिप में सुना होगा, मुफ्ती साहब ने अपने पूरे बयान में किसी का नाम नहीं लिया और ना ही किसी को डायरेक्टली टारगेट किया, लेकिन उनके इस बयान को कुछ लोगों ने कट किया और भड़काऊ भाषण बोलकर इसे वायरल कर दिया और इसी वजह से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। गुजरात ATS सुबह उन्हें हिरासत में लेकर 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर जूनागढ़ ले गई। इस मामले को लेकर AIMIM के लीडर वारिस पठान ने कहा, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात की, उन्होंने बताया वारिस साहब, ये 31 तारीख को जूनागढ़ में जो उनका एक जो बयान हुआ था, तो वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुँचाई है, ना किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट में मैंने कुछ बोला है, बस वहाँ पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया, फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है, तो सुबह में आज पुलिस उनके घर पर आ गई। घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर मुफ्ती साहब के चाहने वालों का एक हुजूम लग गया तो पुलिस ने उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। देश में कभी होश ना खोना चाहिए, हालात जैसे भी है मैं आपके सामने हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बता रहा हूँ, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ और ना ही किसी क्राइम पर मुझे अलाउड है। मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको सभी लोग कर रहे हैं, हम भी उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मुसलमानों के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, अल्लाह को गाली देते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देते हैं और मुसलमानों के लिए कोई करम बाकी नहीं रखते। आखिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आखिर सिर्फ हमसे ही क्यों वतन से मोहब्बत का सबूत मांगा जाता है? क्या हमने इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया? आजकल जो नफरतें लोगों के दिलों में है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये न्यूज चैनल्स है जो मुसलमानों के नाम पर TRP लेते हैं, कभी कुछ ऐसे मुसलमानों को बुलाते हैं जिन्हें इस्लाम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, सिर्फ चीखते और चिल्लाते रहते हैं, तो कभी एक्स मुस्लिम्स को बुलाकर मुसलमानों को बेइज्जत कराते रहते हैं। जिस जगह पर आज ये मुल्क खड़ा है, उसकी वजह से हमारी आने वाली पुश्तों को भुगतना पड़ेगा। ये जो नफरतें रोज रोज बढ़ती जा रही है, क्या ये नफरत कभी इंसानों के दिलों से निकल पाएगी? कमेंट्स करके जरूर बताएं, लाइक एंड सब्सक्राइब।